रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, सी यू, सी यू। सो आज कल क्या बात कर, हम कल बात कर रहे थे बिलीव के ऊपर। ओके, तो मेरा ये है कि बिलीव तो हम हर कोई रखता है, लेकिन जैसे आज हमारा हिंदू का फेस्टिवल है रक्षाबंधन, तो आप इसको बहुत डिफरेंट तरीके से मनाते हैं और बिलीव करते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे फेस्टिवल के बारे में? रक्षाबंधन जो है वो एक ऐसा रिश्ता है कि भाई बहन के बीच में ही नहीं, हम सारे रिश्तों में, क्योंकि रक्षा सिर्फ भाई नहीं करता है, जो बहनें हैं उनकी भाई नहीं होते हैं या जो भाई है उनकी बहनें नहीं होती हैं, तो क्या जीवन भर उनकी रक्षा नहीं होती है? तो रक्षा के मामले में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि हर रिश्ता जो होता है उससे रक्षा की जाती है और रक्षा ली जाती है, डिपेंड करता है कि वो रिश्ता आपके साथ में किस तरह से है। तो मेरी माने तो सारे रिश्ते होते हैं वो रक्षा देते भी हैं और हम रक्षा करते भी हैं, ऐसा तो डिपेंड करता है। या साल में ये जो त्योहार है भाई बहनों का जो मनाया जाता है, तो एक याद दिलाने के लिए है कि आपके जीवन में एक रिश्ते हैं उसको रिजनोवेट करने की जरूरत है। कि बहुत सारी चीजें होती हैं ना कि जब ये नई नई होती है तो हमें बहुत खुशी देती है, फिर स्लोली स्लोली उसका जो क्रेज होता है वो कम होते जा रहा है। तो हमारे जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन नेचर है, उसके जीवन से ये जो उसकी मिठास है वो कम ना हो जाए, इस वजह से वो हर साल ये त्योहार आता है और मनाया जाता है बहुत ही खुशी से, ताकि आपको याद रहे कि कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जो बहुत ही मूल्यवान है। बाकी जैसे लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वैसे बोले कि हम इन चीजों को बिलीव करते हैं, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे रिलेशन, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत जल्दी या तो रिश्तों में ट्रस्ट नहीं होता, बिलीव नहीं होता, तो देखा है कि वो रिश्ते ऊपर पड़ते होते हैं, मगर जब कहते हैं ना रिश्ता निभाना, दोनों तरफ से निभाया जाए तो ही रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलता है। मैंने देखा है कि लोग किसी का बुरा टाइम आया तो जैसे फेस्टिवल पे मिलना या वैसे ओकेजन पे मिलना या कोई भी ओकेजन पे मिलना, तो वो धीरे धीरे कम हो जाए। इस बारे में आपका क्या विचार है कि भाई क्यों करते हैं ऐसा? जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं रिश्ते एकदम नहीं, रिलेशन ही रॉन्ग होता है या रिलेशन की आड़ में और होता है? ओके, रिश्ते कोई भी गलत नहीं होते हैं, ना ही रिश्ते निभाने वाले गलत होते हैं, सिर्फ सोच के ऊपर धूल जम जाती है। अब कपड़ों पर या शरीर पर अगर धूल जमती है तो हम उसे आसानी से धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, लेकिन जो मन के ऊपर जो धूल जमती है उसको धोने के लिए वो अंदर का पानी जो है उसको निकालना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर वो ऐसा क्या है जिसको ये अंदर जो जमी धूल है उसे तुम धो के साफ करो। तो जब तक तुम्हारे आंतरिक मन में इसको क्लीन करने के बारे में आप नहीं सोचोगे तो रिश्ते पर धूल जमी रहेगी, अगर उसको नहीं हटाएंगे तो इतनी जाड़ी चमड़ी हो जाएगी और जाड़ी परत बन जाएगी वो धूल मिट्टी की, कि वो रिश्ते शायद ही कभी संभल पाते हैं। ऐसे रिश्ते कभी पनपते नहीं है, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। और आजकल के जीवन में ये सारी चीजें हैं ये बहुत देखी जाती है। जी, मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि मैंने देखा है जिनकी सिस्टर या जिनके ब्रदर नहीं होते, एक आध साल कि हम आपको राखी बांधेंगे या हम आपसे राखी बनवाएंगे, आज के फेस्टिवल से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक वो भाई कहाँ वो बहन कहाँ उसे कोई नहीं होती, तो इस रिश्ते के बारे में मतलब या तो वो दिल से नहीं निभाते या यंगस्टर को एक्साइटमेंट होता है या आज के लोग
शॉर्ट टर्म रिलेशन में बिलीव करते हैं, ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता है। जो रिश्ते आप लेकर पैदा हुए, इस दुनिया पर आए हो, तो रिश्ते निभाना तो इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। कि अगर मुझे आज मेरा भाई जीवित नहीं है तो मैं उसे हर दिन याद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई चला गया इस दुनिया से तो मेरा रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, वो मेरे मन में जिंदा है और हमेशा ये जिंदा रहेगा। जीवन में ये सारी चीजें नहीं होती है कि रिश्ता यहाँ पर खत्म कर दिया। जो भी रिश्ते आप जीवन में लेकर पैदा हुए हो और दुनिया में आने के बाद में जो जो रिश्ते आपके साथ में बनते जाते हैं, सारे रिश्ते की अहमियत है। एक डेस्टिनी है जीवन में कि सभी लोग जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, वरना आइसोलेशन में अगर एक इंसान जीना जाता है तो उसने सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए, फैमिली में रहना ही नहीं चाहिए। या जिनका भी जन्म परिवार में हुआ है, जन्म भी ऐसे होता है कि दो इंसानों की जुड़ने से होता है। तो जहाँ पे एक एक जिंदगी जब भी पैदा होती है तो दो इंसानों की वजह से होती है, फिर वो इंसान अपने आप को अकेला कैसे सोच सकता है। जो फैमिली जिनकी होती है, जो इंसान लोग होते हैं, रिश्तों को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है या माँ बाप का रिश्ता है या भाई भाई का है, बहन बहन का है, हर फैमिली के अंदर ये जो सारे रिश्ते होते हैं उसे निभाने के लिए मन चाहिए और एक सोच चाहिए। अगर तुम्हारी सोच सही है तो सारे रिश्ते तुम्हारे साथ में सही तरीके से पनपते हैं और तुम निभा सकते हो। और रिश्ते निभाने के लिए ऐसे नहीं होता है ना कि अटैचमेंट कम हो गया, कि नए रिश्ते जुड़ते हैं, कि इंसान जब भी बड़े होते हैं, यंगस्टर्स अभी बड़े हो गए, शादी हो गई तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फोकस कम हो गया। रिश्ते नए जुड़ते हैं, लेकिन तुमको तुम्हारे रिश्ते को कौन से वक्त में कितना वैल्यू देना है, कितना इम्पोर्टेंस देना है, ये तुमको बखूबी निभाने को आना चाहिए। अदरवाइज नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्ते जो है उसको खत्म कर देना है, तो वो इंसानियत नहीं है उसमें, वो बहुत ही स्वार्थी है। और ऐसे इंसान लोग खुद के भी नहीं होते हैं जो स्वार्थ से रिश्ते को नापते हैं। आजकल का शायद जनरेशन ऐसा ही करती है कि स्वार्थ से अगर काम है तो रिश्ता बन जाता है, वरना फिर लगता है कि जैसे उस रिश्ते में धूल पड़ गई। नहीं, मैंने वो देखा है धूल को बहुत सी निकालने को लोगों आना चाहिए, वो धूल को निकालने को आना चाहिए। को, मैं वही बोल रही हूँ कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सी लोग जब काम होता है तो रिश्ते बन जाते हैं, जैसे ही काम खत्म तो रिश्ता भी खत्म, फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर वापस याद करते, तो वो शायद अपने एक रिश्ते को नाम दे देते हैं, लेकिन वो उतने सेल्फिश पर्सन है कि जब काम पड़े तब रिश्ता बना लो, नहीं तो छोड़। और आज की जनरेशन में मैंने ये चीज बहुत नोटिस की। नहीं, दो इंसान होता है तभी रिश्ता बनता है, चाहे भाई बहन का हो, दोस्ती का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक इंसान से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो अगर एक रिश्ते में दो इंसान मौजूद है, अगर एक निभा रहा है और दूसरा नहीं निभा रहा है, इट डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई तुमको मौके पर याद करता है या जरूरत होने पर याद करता है, इट मीन्स कि उनको बैक ऑफ देयर माइंड उनको पता है कि तुम्हारे अलावा उनके जीवन में और कोई पर्याय नहीं है, तुम्हारे अलावा उनके जीवन में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसी वजह से वो तुमको याद करते हैं। चाहे मौका आने पर याद करें, जरूरत पड़ने पर याद करें, या जो भी अपने सेल्फिश नेचर की वजह से याद करें, लेकिन तुमको याद करता है, इट मीन्स कि यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू यू। यानी कि उसको कॉन्फिडेंस का अंदर से ट्रस्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्गली ट्रस्ट होता है कि चाहे मैं काम से भी याद करूं, वो ही ऐसा पर्सन है जो मुझे सिचुएशन से निकाल सकता है या मेरी हेल्प कर सकता करेक्ट, है। वो लोग समझते हैं कि मतलब से याद किया, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं कहीं भी निराश होऊंगा तो ये पर्सन तो है जो ऑलवेज मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, मेरी हेल्प। ये भी बिलीव से ही आया है, तो है कि हमारी दिमाग मान्यताएं क्या है, हमारी आस्थाएं क्या है। आस्था और मान्यता जो होती है वो हमको पैदा होते हैं तो हमारी फैमिली से ही मिलती है। जो भी मान्यताएं लेके हम जो सीखते हैं वही लेकर हम बड़े होते हैं और वही हम लोग पास ऑन करते हैं आगे। जो बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो ये
कंटिन्यूस प्रोसेस है वो जो चलते रहता है। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज की जनरेशन जो है उनको ये सारी चीजों की इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसको चैनलाइज कैसे करना है। उनको गाइडलाइन देने की जरूरत है कि उनको सही तरीके से ट्रैक किया जाए तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और हर रिश्ते को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ये बड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारे छोटे बच्चों को या तुम्हारी फैमिली में जो भी यंगस्टर्स हैं उनको तुम क्या सिखाते हो, क्या उनको मैसेज पास करते हो। अगर तुम खुद सही रहोगे तो तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे जो भी नीस नेव्यूज हैं वो तुमसे वही सीखेंगे। अगर तुम उनके सामने ये दिखाओगे कि बाबा मैं गलती कर रही हूँ, मैं सेल्फिश ही हूँ, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे वही सीखेंगे। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है बड़ों से, पेरेंट्स से, सभी लोगों से कि बच्चों को अगर ज्ञान देना है तो सही दीजिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान की दुकान खोल के बैठ जाना है, लेकिन उनको गाइडलाइन दीजिए, उनको एक ट्रैक दीजिए, उनको एक चैनलाइज कीजिए कि तुमको ये जगह पे जाना है, ये जगह पे नहीं जाना है। बाकी उनकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मेंटल स्टेट उसको क्या अलाउ करता है, क्योंकि काफी लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं, काफी लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ब्लेम करना इट इज वेरी इजी, बट रादर रादर ब्लेमिंग ऑन एनी वन फॉर दे आर नॉट बीइंग सो काइंड एंड वेरी ट्रूथफुल टू एनी रिलेशनशिप, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टेट ऑफ माइंड, कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस बिलीफ में जीते हैं, उनको क्या सिखाया गया है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, ये सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती है। राइट, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बड़ों से ही सीखता है, घर में ही सीखता है, बाद में वो स्कूल और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अगर मेरा भी यही मानना है कि अगर बच्चा जैसा पेरेंट्स राइट करेंगे तो वो वही चीज ऑब्जर्व करेगा, वो लाइफ में वही चीजों को फॉलो करेगा। अगर पेरेंट्स अच्छा करेंगे तो वो डिपेंड्स करता है कि पेरेंट्स के ऊपर भी उससे डिपेंड्स करता है। जैसे आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, तो वो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें सिखा रहे हो या उसके सामने किस तरह का एटीट्यूड है आपका, किस तरह की आपकी थिंकिंग है, कि किस तरह से आप बच्चों के साथ बिहेव करते हो, तो वो बच्चा बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है और वो भी वही चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। पेरेंट बच्चों आजकल के पेरेंट्स को ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि सही कहा कि जैसी अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही बच्चा फॉलो करता है, चाहे फिर वो घर में हो, स्कूल में हो, बाहर हो, फ्रेंड्स में हो, सोसाइटी में हो, वो वही चीजें करे। और जैसे जैसे मैंने देखा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो थॉट प्रोसेस उसकी जो मेंटेलिटी होती है या माइंड सेट होता है वो भी उसके साथ बढ़ता जाता है, फिर उसको उसके साथ काम करना या उस चीज से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे कहना है पेरेंट्स लोगों से या जो भी बड़े हैं जो इनके घर में यंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, क्या पेरेंट्स से इट डजेंट मीन कि आपको राइट है या आपको अथॉरिटी है कि आप बच्चों को डांटे। बच्चों के साथ डील करने के लिए उनकी एज में जाकर वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी एज तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन तुम वो एज से बाहर निकले, तो तुम बखूबी तुम्हारे बच्चों को एडवाइस कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो कि उनके जीवन में उनको क्या करना है। अगर आज बच्चों को आपने डांट दिया तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी हर छोटी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी मदर के साथ में शेयर करते हैं, हर छोटी छोटी चीजें आके बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी रिस्ट्रिक्शंस आती है, तुम्हारा सवाल जवाब पूछना और जो एक अथॉरिटी तुम्हारे पूछने में होती है, उस वक्त बच्चे लोग तुमसे बातें छिपाना शुरू कर देते हैं। तभी उनको ऐसे होता है कि नहीं ये बातें छिपाना है, तब जाकर बच्चा जो है वो आउटलाइन में जाना शुरू करता है। तो ये सारी छोटी छोटी समझ है जो पेरेंट्स ने समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करना है। और बच्चे तो हैं, तभी तो बच्चे कहलाते हैं ना, तभी तो मिस्चीवियस बिहेव करते हैं। लेकिन तुम बड़े हो, तुम वो दौर से गुजर चुके हो, तो तुमको ये पता है कि तुम्हारे बच्चों को तुमने किस तरह से ढालना है और तुम तुम्हारे बच्चों को किस तरह आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो या कौन सी पोजीशन में देखना चाहते हो। तो ये
प्योरली पेरेंट के ऊपर डिपेंड होता है या अपने घर के बड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने बच्चों को कौन सा ग्राउंड दे रहे हो खेलने के लिए। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि जब बच्चों के साथ अगर डांट डपट की जगह उनके साथ उनकी एज में उनकी तरह बिहेव करके उनसे बात की जाए, तो वो भी सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स अब हमारे इक्वल ही हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, हमें डांट नहीं रहे। अगर इस तरह से भी कॉन्वर्सेशन करें तो भी बच्चा नहीं, मेरे पेरेंट्स का फ्रेंड्स है। और ये चीज हम अभी अपनी अपकमिंग जो हमारा वर्कशॉप है 3 तारीख को 11 बजे, उसमें भी एक डिस्कस डिटेल में करें। थैंक श्योर, एनी टाइम। यू सो मच। एंड वंस मोस्ट वेलकम। अगेन हैप्पी रक्षाबंधन मिस हैप्पी क्रिस्टी एंड आदित्य। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल सी यू थैंक यू टुमारो। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय।